प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वर्ब हमने पढ़ा, वर्ब में हमने ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब्स देखा, और उसमें हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत कैसे पड़ती है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसमें जब हमने उसकी डेफिनेशन ली थी तो हमने लिखा था वर्ब दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, वो वर्ब जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, कुछ बताता है। तो कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। और साथ में मैंने कहा था कि अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो हमने इस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब को डिफाइन किया था, और इन ट्रांजिटिव वर्ब को हमने कैसे डिफाइन किया था। हमने लिखा था ए वर्ब विच डज़ नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, और इन ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किस लिए? कंप्लीट मीनिंग के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। स्टिल दैट मेक्स ए गुड सेंस बाई इट सेल्फ, वो खुद ही एक सेंस बनाता है, विच इज़ कॉल्ड इन ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब में हमने ये याद रखा कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है। इसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं, दो भी हो सकते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बिना ही सेंटेंस जो है वो सेंस बनाता है, तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है बेटे, तो अब जो हमारा टॉपिक रहेगा, वर्ब के ठीक बाद हमें टेंसेस पढ़ने हैं। टेंस होता क्या है? टेंस का मतलब है, टेंस वो सेंटेंस होता है जो हमें वर्ड का जो हमें वर्ब जो है वर्ब का टाइम ऑफ एक्शन बताता है। लाइक मैं इसको कैसे डिफाइन करूँगा, मैं कहूँगा टेंस आर द वर्ब वर्ब फॉर्म्स विच इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो ये टेंस होता है, यानी टेंस वर्ब की वो फॉर्म है जो हमें इंडिकेट करता है टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कोई काम किया गया है, कोई काम है ये कब किया गया है, क्या ये काम हो चुका है, क्या ये काम हो रहा है, क्या ये काम होने वाला है, यानी टाइम ऑफ एन एक्शन। तो कब होने वाला है या कब हुआ है, कब होगा। तो तीन मैन टेंसेज होते हैं, देयर आर थ्री मैन टेंसेज। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एक होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब है विच रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम। अब फिर आता है प्रेजेंट के बाद पास्ट। पास्ट क्या होता है? पास्ट रेफर करता है पास्ट टाइम को, और फ्यूचर रेफर करता है फ्यूचर टाइम को। चलिए हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं तीनों की। पहले प्रेजेंट टेंस की हम एग्जाम्पल लेते हैं। विराट प्लेज इन द पार्क। विराट जो है वो पार्क में खेल रहा है, ये प्रेजेंट टेंस है। अब ये प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट है। ये प्लीज क्या है? प्लीज जो है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। अब चले आगे जाते हैं। विराट प्लेड इन द पार्क। जैसे विराट ऊपर भी है सब्जेक्ट, नीचे भी सब्जेक्ट है। प्लीज वर्ब ऊपर है, नीचे प्लेड वर्ब है, यानी वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई है। इन द पार्क दोनों जगह, यानी प्रेजेंट में हमने देखा विराट प्लेज इन द पार्क, यानी विराट जो है वो इस वक्त क्या कर रहा है, वो पार्क में खेल रहा है। विराट प्लेड इन द पार्क, विराट क्या है, उसने वो पार्क में खेल रहा था, यानी अब नहीं खेल रहा है, वो ख़त्म हो चुका है। अब चलिए आगे चलते हैं, फ्यूचर की तरफ चलते हैं। विराट विल प्ले इन द पार्क। विराट ने ना खेला है पार्क में, ना खेल रहा है, खेलने वाला है, यानी ये फ्यूचर में है, खेलने वाला है। अब देखिए, ये हमें क्लियर हो गया कि देयर आर थ्री मैन टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम वर्ब बी जो हमारे पास है, वर्ब बी जो है उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो बी इज़ अ स्पेशल वर्ब। बी जो है ये बड़ा स्पेशल वर्ब है। इट टेल्स वट समवन और समथिंग इज़ लाइक। लाइक वो बोलता है कि कोई चीज़ या कोई एनिमल या पर्सन
वो कैसा है, उसकी स्पेशलिटी बयान करता है। इट शोज ए स्टेट ऑफ बींग, तो कौन सी चीज़ किस स्टेट ऑफ बींग में है। जैसे वेरियस फॉर्म्स ऑफ बी हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, प्रेजेंट में दिखाते हैं। प्रेजेंट में बी चेंज होता है एम में, इज में और आर में। पास्ट में होता है वाज वर, और फ्यूचर में शैल बी और विल बी। ठीक है, बी इज यूज्ड एज मैन वर्ब, यानी बी जो है इसको मैन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। अब चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, मिल्क जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा, यानी हमने यहाँ पर बी का जो इज़ फॉर्म है वो हमने इस्तेमाल किया। बी इज़ यूज फॉर मेकिंग अदर वर्ब फॉर्म्स, तो बी है जो बाकी वर्ब फॉर्म्स को बनाने में भी मदद करता है। जैसे द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली। ठीक है, अब यूजेज ऑफ हैव इज ऑल्सो ए स्पेशल वर्ब। जैसे बी एक स्पेशल वर्ब है जो है वो भी एक स्पेशल वर्ब है। इट कैन बी यूज्ड एज ए मैन वर्ब, इसको मैन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्जाम्पल लेंगे, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। इट कैन बी यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई सिलेबस, मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। अब बहुत सारी यानी वेरियस फॉर्म्स जो है किसकी, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शल हैव। तो हैव इज़ यूज्ड टू शो पोजिशन, जैसे हैव जो है किसी की पोजिशन जो है वो जाहिर करता है। राजीव हैज़ ए बिग हाउस, राजीव जो है उसके पास एक बड़ा घर है, वो उसकी पोजिशन है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हमने हैज़ दिखाया कि हैज़ किस तरह पोजिशन के तौर पर काम करता है। हैव इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और एन एक्सपीरियंस, हैव को हम हैव एक्सप्रेस करता है कोई एक्शन, कोई एक्सपीरियंस भी हैव जो है वो जाहिर करता है। अब चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, द स्टूडेंट आर हैविंग स्नैक्स, स्टूडेंट जो है वो क्या खा रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, ये उनका एक्शन है। चिल्ड्रन आर हैविंग फन, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, वो मज़े ले रहे हैं, ये उनका एक्सपीरियंस है। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस टू शो पोजिशन, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसे पोजिशन शो करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा हुआ है आपने, अफर्मेटिव क्या होता है, जो इकरारिया सेंटेंस होता है, इकरारिया जुमला होता है। शी हैज़ ए डिम्पल ऑन हर चिक, कोई लड़की है जिसकी चिक पे क्या है, डिम्पल है, बहुत खूबसूरत लगती है उससे। तो यहाँ पर हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस में आई डोंट हैव ए न्यू बाइसाइकिल, मेरे पास एक नई बाइसाइकिल नहीं है, ये एक नेगेटिव है क्योंकि एक इनकारिया जुमला है। चलिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, हैव यू गॉट एन इरेजर, क्या तुम्हारे पास इरेजर है। चलिए सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। शी हैड अ बिग पर्स, उसके पास क्या है, उसके पास क्या था, एक बड़ा पर्स था। चलिए नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, द होटल डिड नॉट हैव ए स्पेयर रूम, होटल में क्या था, वो अलग सा रूम नहीं था, अलायदा कोई कमरा नहीं था। अब चलिए इसी में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, डिड मिस्टर यादव हैव द टाइम टू गो टू द मीटिंग, क्या मिस्टर यादव के पास टाइम था मीटिंग में जाने के लिए। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या देंगे, दे विल हैव ए न्यू कोच, अफर्मेटिव में कोई टीम है, उनका नया कोच आने वाला है। चलिए नेगेटिव लेते हैं, द मॉनिटर विल नॉट हैव एनी कंप्लेंट टू मेक, तो इंट्रोगेटिव लेते हैं, विल द लीडर हैव द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक, क्या लीडर के पास पब्लिक का सपोर्ट है, क्या उसके पास पब्लिक का सपोर्ट होगा। तो ऐसे टेंसेज हम बनाते हैं। तो मैं भी आपको याद रखना है कि टेंसेज जो है वो तीन किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, पास्ट में यानी जो काम हुआ है, फ्यूचर में जो काम होने वाला है, तो ये ऐसे जाहिर करता है, टेंसेज जो है जाहिर करते हैं, ये जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं, वर्ब फॉर्म्स जो है वो कौन सा टाइम और एक्शन इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया आज, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट उठाएंगे। तो अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है कहीं पर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए,
कल तक के लिए खुदा हाफिज़।